Hello everyone, welcome to SSC Insight. My name is Neetu and I am going to discuss with you GKGS series, which will be the series of more than 1000 questions and sufficient for your SSC CHSL and MTS exam. I am taking this question from 4000 smart question bank SSC, that is from textbook. Iska link description mein given hai. Isme different cheeze di hui hai, analysis diya hua hai, time to answer given hai, smart answer key given hai, level of questions given hai, jisse aapko pata chal sakta hai ki aapka level kya hai. So without much ado, let's start the class. Aap copy pen lekar baith jaiye aur important facts notes karte jaiye. Okay, so the first question is, who among the following was the architect of Rashtrapati Bhavan? Rashtrapati Bhavan ke vastukar kaun hai? ली कर्बूजियर. ली कर्बूजियर फ्रांस के हैं और इन्होंने चंडीगढ़ को डिजाइन किया है, विच इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन बनाया है, इंडिया गेट बनाया है. इनफैक्ट दिल्ली का जो संरचना है, डिजाइन है, वो इन्होंने ही किया है, इसलिए लुटियंस दिल्ली भी बोला जाता है. विलियम एमर्सन, इन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल बनाया कोलकाता में, डिजाइन किया है. हेनरी इनविर ने इरविन माइसूर प्लेस को डिजाइन किया है. सो हेयर आर आंसर विल बी एडविन लुटियंस, क्योंकि यहाँ पे आर्किटेक्चर ऑफ राष्ट्रपति भवन पूछा गया है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द लिंगराज टेम्पल लोकेटेड? लिंगराज टेम्पल कहाँ पे है? एहल जो है इसमें लाड़ खान टेम्पल है. भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल है, हम्पी में वीरूपक्ष टेम्पल है, महाबलीपुरम में सोर टेम्पल है, जो कि तमिलनाडु में है. सो यहाँ पे लिंगराज टेम्पल पूछा गया है, तो ये होगा भुवनेश्वर. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेस्टिवल ऑफ डैस इज ऑल्सो नोन एज फगवा. फगवा किसको बोलते हैं? संक्रांति को नहीं, इनको मकर संक्रांति या उत्तरायण बोलते हैं. दिवाली भी नहीं होगा, गणेश चतुर्थी भी नहीं होगा, फगवा बोला जाता है होली को. और हम सब जानते हैं कि होली जो है वो फेस्टिवल्स ऑफ कलर है, हम इसमें रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, बहुत सारे कलरों का संगम है, ये प्रेम का प्रतीक होता है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कूद इज अ फॉर्म ऑफ डांस फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, वेस्ट बंगाल और केरला. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कूद, सो कूद जो है वो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर का है. कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर. अदर फॉर्म अगर मैं बात करूँ जम्मू एंड कश्मीर का, तो वो है राउफ हैकाटोरन. ठीक है, राउफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है. ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जो है वो 31 अक्टूबर को बाइफर्केट हो गया था. इसके बीच में एक तरफ जम्मू एंड कश्मीर और एक तरफ है लद्दाख. जम्मू एंड कश्मीर में समर कैपिटल श्रीनगर है, विंटर कैपिटल जम्मू है, और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है डोगरी. तो आपका आंसर क्या हो जाने वाला है? जम्मू एंड कश्मीर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कम्बाला फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका इज एसेंशियल एसोसिएटेड विथ व्हाट? कम्बाला फेस्टिवल जो है वो कॉक फाइटिंग नहीं, ट्राइबल डांस नहीं, बफेलो रेस. यस, जो कम्बाला फेस्टिवल है वो बफेलो रेस से रिलेटेड है. ओके, कम्बाला फेस्टिवल इज बेसिकली रिलेटेड टू बुफेलो रेस. ठीक है, ये बुफेलो रेस जो होता है वो इसमें टू डेज का फेस्टिवल होता है, बेसिकली टू डेज का फेस्टिवल होता है. ओके, और ये शिव को, भगवान महादेव को डिवोटेड है. अगर मैं बात करूं वो बुल फाइटिंग की, तो बुल फाइटिंग जो होता है वो जलीकट्टू में होता है, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है. जब पोंगल होता है तब पोंगल में जलीकट्टू होता है, और जलीकट्टू में ये बुल फाइटिंग होता है. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. आपका डैस इज अ न्यू ईयर सेलिब्रेशन ऑफ सिक्किमीज भूटिया, विच फॉल्स इन 10th मंथ ऑफ सिक्किमीज लूनार कैलेंडर. न्यू ईयर सेलिब्रेशन किसको बोलते हैं? न्यू ईयर सेलिब्रेशन है आपका अशुर नहीं, न्यू ईयर है आपका सेलिब्रेशन ऑफ सोनम लोसांग. सोनम लोसांग जो होता है वो सिक्किम का न्यू ईयर होता है, जो कि 10th मंथ ऑफ सिक्किमीज लूनर कैलेंडर या फिर तिब्बतन कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है. ठीक है, पोंगल कहां पे होता है? पोंगल जो होता है वो आपका तमिलनाडु में होता है. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको एक बार रिमाइंड कर दूं कि हमने एक नया वेबसाइट लॉन्च किया है, जिसका नाम है bookpicker.in. इस वेबसाइट में हर एक गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आपको ऐसे बुक्स एनलिस्टेड मिल जाएगा. आपको ज़्यादातर बुक्स ढूंढने में प्रॉब्लम होता है कि कौन सी सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए, इसमें कन्फ्यूजन रहता है एस्पिरेंट्स को. सो दैट्स व्हाई हमने ऐसे एक वेबसाइट लॉन्च किया है जहाँ पे आपको बुक ढूंढने में आसानी हो. ठीक है, आपका अपकमिंग CHSL एग्जाम आ रहा है, इसलिए CHSL स्पेशल ये बुक्स हमने एनलिस्ट किया है. यहाँ से आप देख सकते हैं शो मोर पे क्लिक करके, ऐसे करके सभी यहाँ पे सभी सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पे बुक एनलिस्टेड है. ठीक है, तो डू चेक इट आउट आवर न्यू वेबसाइट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. नेम द एनुअल फेयर ऑफ राजस्थान एट विच कैमल ट्रेडिंग इज वेरी फेमस मेजर इवेंट. सो सूरजकुंड मेला, सूरजकुंड मेला है आपका फरीदाबाद में, और ये क्राफ्ट फेस्टिवल है. मारू मेला जो है वो जैसलमेर में, और यहाँ पे डांस होता है, म्यूजिक होता है. सोनपुर मेला जो है वो बिहार में होता है, और इसमें कैटल फेयर है. जबकि पुष्कर मेला जो है इसमें कैटल की ट्रेडिंग होती है, कैमल की ट्रेडिंग होती है, और हॉर्स की ट्रेडिंग होती है. ओके, सो यहाँ पे कैमल ट्रेडिंग के बारे में पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा पुष्कर, और ये पुष्कर में राजस्थान में लगता है मेला. ओके,
द डैस फेस्टिवल ऑफ इज डेडिकेटेड टू गॉडेस दुर्गा एंड हर 9 अवतार्स. माँ दुर्गा और उसके 9 अवतार का जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसको बोला जाता है नवरात्रि. ये तो हम सबको ही पता है कि कंजक हम पूजा करते हैं, 9 कन्या को जिमाते हैं, तो ये सारी चीजें किस में होती है? नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 फॉर्म की पूजा होती है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. द पूर्ण कुंभ मेला टेक्स प्लेस एवरी ईयर एट वन ऑफ द 4 प्लेस बाय रोटेशन, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक. तो पूर्ण कुंभ मेला जो होता है वो 12 साल में होता है. कितने साल में होता है? 12 साल में होता है. सपोज करें कि मान लीजिए अगर प्रयाग में अभी 2022 में हुआ है, ठीक है, कब हुआ है? 2022 में. तो अगली बार कब होगा इसका? 2034 में. कब होगा? 2034 में, ठीक है. लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक प्लेस पे. अब क्या होता है, इसके 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, प्रयाग के बाद फिर हरिद्वार में होगा, उसके नेक्स्ट ईयर में फिर उज्जैन में होगा, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 3 ईयर में नासिक में होगा, और फिर वापस से प्रयागराज में आ जाएगा. तो इसलिए अगर एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करें तो 12 साल के बाद होता है, ठीक है. तो आपका आंसर हो जाएगा 12. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. द सन टेम्पल इज सिचुएटेड एट. सन टेम्पल कहाँ पे है? हरिद्वार में? नहीं. वृंदावन में? नहीं. वृंदावन में तो कान्हा जी का मंदिर है. कन्याकुमारी? नहीं. कोणार्क? यस. कोणार्क टेम्पल इज नोन एज कोणार्क सूर्य टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल. सो बेसिकली कोणार्क में आपका सन टेम्पल है. और कोणार्क कहाँ पे है? उड़ीसा में है. कहाँ है? उड़ीसा में. उड़ीसा में और एक मंदिर फेमस है, वो कौन सा है? लिंगराज मंदिर. और वो कहाँ पे है? भुवनेश्वर में. कोणार्क जो है पुरी से 30-35 किलोमीटर अप्रोक्स में है. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. यहां से आपका लेवल 2 स्टार्ट हो जाता है. ओके, सो लेवल 2 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है, हु अमंग दिस डिजाइन द सिटी ऑफ चंडीगढ़. चंडीगढ़ को किसने डिजाइन किया है? एडविन लुटियंस. अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि लुटियंस दिल्ली ऐसा बोला जाता है, तो ये दिल्ली का डिजाइनर है. आरवी सुतार इज डिजाइनर ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर टॉल, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के इसमें बनाया गया है, ठीक है. ली कॉर्बूजियर फ्रांस के हैं, जिन्होंने चंडीगढ़ को डिजाइन किया है. और बीबी दोषी जो है, इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर और उदयपुर का डिजाइन किया हुआ है. सो यहां पे आपका चंडीगढ़ सिटी का पूछा गया, जो कि पंजाब और हरियाणा का कैपिटल है, तो इसको डिजाइन किया है ली कॉर्बूजियर. ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वर्क्स अंडर विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस? नहीं. मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म? नहीं. ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर, संस्कृति मंत्रालय के अंदर आता है. ओके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर जो है वो कौन से हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम, और यही इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल हैं. तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ आर्कियोलॉजी आपके हो जाएंगे अलेक्जेंडर कनिंघम. ओके, और ये कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रखा गया है. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन बी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच फोक डांस ऑफ राजस्थान इज संग टू प्रेज वाटर एंड रेन. पानी और बारिश, इनकी तारीफ करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए कौन सा सॉन्ग गाया जाता है राजस्थान में? पाबुड़ की फाट? नहीं. पांडवानी? नहीं. पानीहारी? हाँ, आप रिलेट कर सकते हैं कि पानी से रिलेटेड है तो पानीहारी टर्म होगा. सो बेसिकली पानीहारी टर्म जो होता है वो सॉन्ग औरतें गाती है कब? जब राजस्थान में वहां पे डेजर्ट एरिया हो जाता है, रेगिस्तान टाइप से एरिया होता है, तो उस केस में वुमेन्स गाती हैं बारिश के लिए और प्रेस करती हैं कि वाटर और रेन का कितना इंपॉर्टेंस है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. द ट्रेडिशनल ड्रैगन बोट स्टाइल ड्रॉइंग स्पोर्ट ऑफ बांग्लादेश इज कॉल्ड एज. ट्रेडिशनल ड्रैगन बोट स्पोर्ट जो होता है वो कौन सा होता है? ओनम? नहीं. ओनम जो होता है वो केरला में होता है, ठीक है. और नौकाबाई ये होता है बांग्लादेश में, बोट स्टाइल गेम. ओके, सकरन जो होता है वो बेसिकली मकर संक्रांति को बोलते हैं बांग्लादेश में. बोड़ोदिन इज बेसिकली बड़ा दिन, जो क्रिसमस है हम जिसको बड़ा दिन बोलते हैं बंगाली में, इसको बोड़ोदिन बोला जाता है. तो यहाँ पे ड्रैगन बोट स्टाइल स्पोर्ट की बात करें तो ये होता है नौकाबाई, ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. बिरहोर डांस इज अ ट्राइबल फोक डांस फ्रॉम. बिरहोर फोक डांस कहाँ का है? कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में यक्षगान डांस किया जाता है. पंजाब में भांगड़ा और गिद्धा किया जाता है. हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे झोरा डांस किया जाता है. झारखंड की बात करें तो यहाँ पे बिरहोर डांस होता है. बिरहोर डांस होता है, संथाल डांस होता है, सरहुल डांस होता है, ये सारी चीजें हैं. तो आपका आंसर हो जाएगा बिरहोर डांस के लिए झारखंड, दैट इज ऑप्शन डी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज रोवर्स कप एसोसिएटेड. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कप, सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से गेम से कौन सा कप या कौन सा ट्रॉफी एसोसिएटेड है. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलता है कि कौन सा गेम है. ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि SSC पूछती है ईरानी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, रणजी ट्रॉफी किससे एसोसिएटेड है, संतोष ट्रॉफी किससे एसोसिएटेड है. तो आप अपने नोट्स में जो भी इससे भी आपके रिसोर्सेज है उसमें से आप ट्रॉफी और कप जो है वो पढ़ ले. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट कौन से टर्म कौन से गेम से एसोसिएटेड है वो भी आपको पूछा जा सकता है. जैसे कि अगर मैं बात करूँ बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई जो होती है वो कौन से गेम से एसोसिएटेड टर्म है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है. अभी मैं बात करूं कि क्रिकेट की, तो क्रिकेट में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड कप हम सबको पता है, रणजी ट्रॉफी होता है, एशिया कप होता है, ईरानी ट्रॉफी होता है. फुटबॉल की बात करूं तो फुटबॉल में रोवर्स कप है,
बेगम हजरत महल कप है, ठीक है। बैडमिंटन की बात करूं तो उबर कप है, नारंग कप है, ठीक है। यहाँ पे रोवर्स कप पूछा गया तो हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है, फुटबॉल, दैट इज ऑप्शन बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म चेरी पिकिंग इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट। चेरी पिकिंग, देखिए टर्मिनोलॉजी की बात आ गई ना, चेरी पिकिंग जो होता है वो बास्केटबॉल में यूज होता है, चेरी पिकिंग, ठीक है। स्विमिंग की बात करूं अगर मैं तो इसमें क्रॉलिंग यूज होता है, बैक स्ट्रोक यूज होता है, बटरफ्लाई जो अभी मैंने आपको बताया वो स्विमिंग में होता है, स्विमिंग में होता है। टेबल टेनिस की बात करें तो स्पिन, फॉइल, ये सारे टर्म है। क्रिकेट का तो आप सबको पता है, मिड ऑन मिड ऑफ, डक करना, गुली करना, ये सारी चीजें एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे चेरी पिकिंग पूछा गया तो चेरी पिकिंग के लिए आपका आंसर हो जाने वाला है बास्केटबॉल। सो आप टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगा खा कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। ये जो आगा का कप है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। क्रिकेट का आप जो है कमेंट करें नीचे कि कौन कौन सा कप या कौन कौन सी ट्रॉफी इससे रिलेटेड है। हॉकी की बात करें तो हॉकी जो है उसमें आगा खा कप है, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के फादर माने जाते हैं, तो ध्यानचंद ट्रॉफी है। लॉन टेनिस की बात करूं तो डेविस कप है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, ये सारा लॉन टेनिस से रिलेटेड है। फुटबॉल की बात करूं तो संतोष ट्रॉफी है, सुब्रतो कप है, ये सारी चीजें हैं। तो अभी मैं बात करूं हॉकी की बात करूं तो आगा का कप हॉकी से रिलेटेड है, तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन विच ईयर डिड इंडिपेंडेंट इंडिया विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड इन द गेम ऑफ हॉकी। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो ओलंपिक गेम्स है इसमें कैसे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जा सकते हैं। मैंने नेक्स्ट थ्री क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड लिया है कि सेम क्वेश्चन को कैसे डिफरेंट तरीके से फ्रेमिंग किया जा सकता है। ओके, सो यहाँ पे है, इंडिपेंडेंट इंडिया ने पहली बार ओलंपिक गोल्ड कप हॉकी जो है वो कब जीता था, 1960 में, कब 1960 में नहीं, ओके तो फिर क्या होने वाला है, 1956 नहीं, ये होगा आपका आंसर 1948। इंडिपेंडेंस के नेक्स्ट ईयर में ही हमने जो है आपका ओलंपिक में गोल्ड। विच स्टेट इज फेमस फॉर मूगा सिल्क, मूगा रेशम कौन से स्टेट में फेमस है, मणिपुर में नहीं, ओडिशा में नहीं, आसाम में। आसाम में जो है मूगा सिल्क जो है वो बहुत फेमस है, और पहले जो होता था सिल्क वो रॉयल टी को सो करता था, मतलब रॉयल यूज होता था इसका, सिर्फ येलो गोल्डन टिंट कलर होता है, ये चमकता है येलो गोल्डन कलर में, और इसको 2007 में GI टैग मिला हुआ है। सो आपका आंसर हो जाने वाला है असम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंडिया वॉन फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन इंडिविजुअल कैटेगरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट ओलंपिक मेडल, अभी हमने बात किया इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद पहला ओलंपिक मेडल हॉकी में मिला 1948 में, ओके। लेकिन यहां पे पूछा गया फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन इंडिविजुअल कैटेगरी, इंडिविजुअल कैटेगरी की बात करूं तो ये इंडिया ने पहली बार जीता था 200 मीटर रेस में। किसमें जीता था, 200 मीटर रेस में जीता था, बाय नॉर्मन ब्रीचर्ड। किसने जीता था, नॉर्मन ब्रीचर्ड ने जीता था, ठीक है। फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडल जो है हमारा, जो फर्स्ट अगर मैं बात करूं कि ओलंपिक में ही सबसे पहली बार कब जीता था, तो 1928 में हॉकी में जीता था, लेकिन ये इंडिपेंडेंस के पहले की बात है। इंडिपेंडेंस की बात करें, के बाद की बात करें, आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो 1948। यहां पे इंडिविजुअल कैटेगरी की बात की गई है तो 200 मीटर में नॉर्मल प्रीचर्ड ने जीता था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड इंडिपेंडेंट इंडिया विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल। देखिए इंडिपेंडेंट इंडिया ने फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल कब लिया था, तो गोल्ड मेडल की बात करें या फिर हॉकी में गोल्ड मेडल की बात करें, दोनों का आंसर क्या हो जाने वाला है, सेम हो जाने वाला है 1948। यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि कैसे अलग अलग तरह से घुमाया जा रहा है। पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल बोले तब भी 1948, हॉकी में पहला गोल्ड मेडल बोला गया आफ्टर इंडिपेंडेंस तब भी 1948। आई होप आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हैज रिकमेंडेड एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टू द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। गाइज देखिए, आपको ओलंपिक गेम को प्रिपेयर कर लेना है, कॉमनवेल्थ गेम जो है इन सबको प्रिपेयर कर लेना है, जितने भी ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन हुए उन सबको प्रिपेयर करना है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम्स, तो आपको ये सब चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करना है, इनका हिस्ट्री और अभी करेंट में क्या है वो सारी चीजें आपको याद करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कौन कौन सा गेम ऐड किया है, तो ब्रेक डांसिंग इन्होंने ऐड किया है, स्केटबोर्डिंग भी ऐड किया है, इसके अलावा इन्होंने सर्फिंग भी ऐड किया है, और एक और ऐड किया है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग भी इन्होंने ऐड किया है। चार बेसिकली गेम ऐड किया है, ब्रेक डांसिंग, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग एंड स्पोर्ट क्लाइंबिंग। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। अगर टोटल नंबर ऑफ गेम्स पूछा जाए तो चार ऐड किया गया है। 2021 में कहाँ पे होने वाला है, पेरिस में होने वाला है। ये गेम्स क्यों ऐड किए गए हैं, ताकि यंग जनरेशन जो है वो भी कनेक्ट कर पाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तुलसीदास रोट रामचरित मानस ड्यूरिंग द रीन ऑफ जहांगीर, अकबर, राम राय और कृष्णदेव राय। तुलसीदास ने रामचरित मानस जो लिखा है वो अवधी लैंग्वेज में लिखा है, ओके। और कंपोज यहाँ पे रचना कहाँ पे की थी इन्होंने, अयोध्या में, वाराणसी में
और चित्रकूट में। ये तुलसीदास जो थे ये विलियम शेक्सपियर के कंटेम्पररी रहे हैं, ठीक है। और वाराणसी में जो गंगा घाट है वहाँ पे एक जगह पे तुलसी घाट नाम है, वो तुलसीदास के नाम पर ही है। और इन्हीं के टाइम से रामलीला प्लेज स्टार्ट हुआ था, जो हम देखते हैं ना रामलीला बड़े से पंडाल में ऐसे रामलीला हो रही होती, तो स्टार्टिंग तुलसीदास ने ही करा था। ये अकबर के कंटेम्पररी हैं, तो यहाँ पे अकबर के टाइम में इन्होंने रामचरित मानस अवधि लैंग्वेज में लिखा था, तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन विच ईयर वॉज गूगल इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी की तरह इसको शामिल किया गया था किस साल में, तो ये ट्वीट किया गया था 1998 में। ओके, जो गूगल को फाउंड किया था वो थे लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, ये तो आप सबको पता होगा, ठीक है। 1997 में इससे पहले इसका नाम कुछ था बैक रब, क्या था बैक रब करके कुछ नाम था, 1997 में इसका नाम चेंज करके गूगल रख दिया गया था, और 1998 में इसको ऑफिशियली शामिल कर लिया गया एज अ प्राइवेट कंपनी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से आपका लेवल 3 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं लेवल 3 आपका है, 59% लोग सही कर रहे हैं, 21% रॉन्ग कर रहे हैं, और बाकी सब लोगों का 21% स्किप कर दे रहे हैं और बाकी लोगों का रॉन्ग हो जा रहा है। आइए देखते हैं। द कर्मा डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ कर्मा पूजा विच इज सेलिब्रेटेड इन डैश सीजन। आपसे पूछा जा रहा है कि कर्मा डांस, कर्मा जो होता है वो झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड की बात करें वेस्ट बंगाल में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, ये सारी जगह पे सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है? ऑटम में किया जाता है, पतझड़ के मौसम में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और ये एनुअल फेस्टिवल है और भादो मंथ में मनाया जाता है। विंटर की बात करें तो विंटर में आपका सरस्वती पूजा होता है, तानसेन समारोह है, हॉर्नबिल फेस्टिवल है। ओके, समर की बात करते हैं तो समर में आपका बैसाख होता है, बुद्ध पूर्णिमा होता है। स्प्रिंग की बात करें तो वसंत पंचमी है, खजुराहो डांस फेस्टिवल है। यहां आपसे पूछा गया है कर्मा के बारे में, तो ये पतझड़ में होता है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद वामन इनकारनेशन ऑफ विष्णु। ये जो वामन इनकारनेशन है, वामन अवतार है विष्णु जी का, ये जो है वो किस त्यौहार से, किस फेस्टिवल से एसोसिएटेड है? कुंभ से, बिहू से, जन्माष्टमी से, या फिर ओनम से? ये जो वामन अवतार है विष्णु का, ये ओनम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ओनम से। ओनम कहाँ मनाया जाता है? केरला में मनाया जाता है। ये वामन अवतार जो है ये पांचवा अवतार है आउट ऑफ 10 अवतार, 10 अवतार जो है उसमें से पांचवा अवतार है वामन अवतार, ठीक है। कुंभ मेला आपको पता है हर 12 साल में होता है, कहाँ पे होता है? प्रयागराज और उज्जैन, ठीक है, नासिक और बताइए हरिद्वार, ठीक है। जन्माष्टमी बेसिकली मथुरा, वृंदावन, इन सब जगहों पे होता है। बिहू जो होता है वो आसाम में होता है। आई होप यू विल गेट द आंसर, यहाँ पे आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ओनम। चलते हैं नेक्स्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग ऑफ राजस्थान इज बेसिकली अ फ्यूजन ऑफ मुगल एंड रीजनल स्टाइल। मूल रूप से मुगल और क्षेत्रीय शैली का एक संलयन है, वो कौन सा होगा? किशनगढ़ पेंटिंग, मेवाड़ पेंटिंग, बीकानेर पेंटिंग, या फिर जोधपुर पेंटिंग? बेसिकली किशनगढ़ चित्रकारी, किशनगढ़ पेंटिंग जो है वो आपका मुगल और रीजनल स्टाइल का कॉम्बिनेशन है। ये डिपिक्ट करता है राधा और श्री कृष्ण के प्यार को डिपिक्ट करता है, और इसमें जो होता है ये बेस्ड है बनी ठनी पेंटिंग से, बनी ठनी पेंटिंग पे बेस्ड है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द राइज ऑफ जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द डेड एंड असेंडिंग टू द हेवन। क्या पूछा जा रहा है इसमें? कि यीशु मसीह को मृतकों में से पुनर्जीवित होने और स्वर्ग जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? ये सारे फेस्टिवल जो आप देख रहे हैं ये सारा ये जीसस से ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे राइज ऑफ जीसस पूछा गया है। गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे में जब जीसस को सूली पर चढ़ा दिया गया था तो वो जो स्मारक था उसको डिपिक्ट करने के लिए गुड फ्राइडे है। क्रिसमस में जीसस का बर्थ है, ठीक है। एडवेंट सीजन क्या है? एडवेंट सीजन में क्रिश्चियन का न्यू ईयर स्टार्ट होता है। ओके, उसके बाद है ईस्टर। ईस्टर इज बेसिकली वही है जिसमें जब जीसस होते हैं, जीसस के जो सूली पे चढ़ा दिया जाता है उसके 3 डेज के बाद क्रूसिफिकेशन होता है उनका, उनका पुनरुत्थान होता है, फिर से उनका जन्म होता है, और तो वही चीज जो है वो ईस्टर की तरह मनाया जाता है। इनमें इसमें क्या होता है, ईस्टर में यीशु का पुनर्जीवित होने की बात की गई है, तो इसीलिए ये क्रिश्चियंस लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है। चलते हैं नेक्स्ट में। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट भवाई डांसर ऑफ इंडिया। भवाई क्या है? भवाई एक डांस है राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान का है, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट डांसर है वो है मिसेस कृष्णा व्यास, मिसेस कृष्णा व्यास। इस डांस में क्या होता है, आप सबने अगर देखा हो टीवी में या फिर वीडियोस में, कि लेडी होती है वो अपने माथे पे मिट्टी के बर्तन को, यानी कि हांडी टाइप्स होता है या मिट्टी का बर्तन होता है, उसको बैलेंस करती है, और वो थाली पे नाच रही होती है, पीतल का थाली होता है, उसके रिम पे अपने पैर के तलवों के साथ डांस कर रही होती है। ओके, तो उस डांस को बोलते हैं भवाई, जो कि राजस्थान का है, और फर्स्ट डांसर है मिसेस कृष्णा व्यास।
राजस्थान में ये बहुत फेमस है। लोसांग फेस्टिवल, लोसांग फेस्टिवल जो है वो कहाँ का है, आसाम का है, सिक्किम का है, अरुणाचल का है, मेघालय का है। आसाम की बात करें तो आसाम में बिहू डांस बहुत फेमस है, सिक्किम की बात करें तो लोसांग फेस्टिवल बहुत फेमस है और इसमें चाम डांस होता है। कौन सा डांस होता है? चाम डांस, और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल के अंत में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल में बोडो लोग होते हैं, वो भी चाम डांस करते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका जो लोसांग फेस्टिवल की लोसांग फेस्टिवल की बात की गई तो लोसांग फेस्टिवल जो है वो सिक्किम में होता है। चलते हैं नेक्स्ट में। Which region of UP is mainly known for सोहर and कव्वाली? ये जो सोहर है वो चाइल्ड के बर्थ के लिए होता है, जो बच्चा होता है उसका जन्म के लिए होता है सोहर। और कव्वाली तो हम सब ने सुन रखी होगी, पता होगा। तो ये बेसिकली सूफी कविता जो होता है, सूफी पोइट जो होते हैं उनसे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ये अवध रीजियन में है, अवध रीजियन में। अपार्ट फ्रॉम दैट संस्कार गीत इज ऑल्सो देयर। नाउ पॉश मेला डिस्प्लेड लोकल आर्टिशन ड्यूरिंग फोक डांस म्यूजिक फूड एंड कल्चर ऑफ। पौष मेला जो है वो किसको प्रदर्शित, कहाँ पे होता है? पौष मेला जो होता है वो वेस्ट बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है पौष मेला। ये शांति निकेतन में है, इसमें डांस होता है, म्यूजिक होता है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स परफॉर्म किए जाते हैं। वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है? कोलकाता। और वहाँ की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। हाँ ओके, ममता बनर्जी का राज चलता है वहाँ पे। बंगाल इज ऑल्सो फेमस फॉर विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है? कोलकाता में है, और वो क्वीन विक्टोरिया की मेमोरी में बनाया गया है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। मैच द फॉलोइंग। गैर, गैर डांस जो होता है ये है गैर डांस। गैर डांस है आपका मेवाड़ में, ठीक है, गैर मेवाड़ में, यानी वन का सी। तो ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन बी खत्म। ओके, कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी भी राजस्थान में होता है, लेकिन कौन से रीजन में होता है? सिखावटी में होता है। सो टू का बी। ओके, सो ये भी खत्म। नेक्स्ट है आपका चक्री। चक्री कहाँ पे होता है? हदौती में। हदौती में होता है चक्री। तो थ्री का ऑप्शन ए आ जाएगा, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट में। वीरूपक्ष टेम्पल कहाँ पे है? वीरूपक्ष टेम्पल की बात करें तो वो है हम्पी में। देखिए, भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल है, एहल में लाड़खान टेम्पल है, हम्पी में वीरूपक्ष टेम्पल है, ओके, और महाबलीपुरम में सौर टेम्पल है। सो वीरूपक्ष टेम्पल आपका हम्पी में है, तो आपका आंसर हो जाने वाला है हम्पी, कर्नाटका। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज रॉयल डांस ऑफ लद्दाख? रॉयल डांस ऑफ लद्दाख कौन सा जाना जाता है? यह है आपका शोंडोल डांस। कौन सा डांस है? शोंडोल डांस। ये बेसिकली लद्दाख के किंग के लिए आर्टिस्ट लोग परफॉर्म करते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट में। हाउ मेनी रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका आर नॉन टू एग्जिस्ट इन करंट टाइम्स? मेजर रॉक एडिक्ट अशोका के कितने हैं? 14 है। कितने हैं? 14 मेजर रॉक एडिक्ट है। इसमें 13th वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कालिंगा वार के बारे में बताया गया है। कालिंगा वार जिसमें सम्राट अशोक जो है बहुत क्रूएल राजा से शिफ्ट कर जाते हैं एक पीसफुल राजा के, और बुद्धिज्म को अपना लेते हैं। सो ये टोटल 14 मेजर रॉक एडिक्ट हैं। चलते हैं नेक्स्ट में। नाहरगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन। नाहरगढ़ फोर्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? जोधपुर में नहीं, दिल्ली में नहीं, ये बेसिकली जयपुर में लोकेटेड है। नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर में लोकेटेड है, जयपुर राजस्थान। इसको बनवाया किसने था? नाहरगढ़ को सवाई जयसिंह ने बनाया था। सवाई जयसिंह ने बनवाया था 1734 में। ओके, अब जयगढ़ किला जो होता है और प्लस आमेर किला और ये नाहरगढ़ किला, ये पूरा जयपुर को चारों तरफ एक रिंग फॉर्मेशन करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ फेमस लोटस टेम्पल? लोटस टेम्पल का आर्किटेक्ट कौन है? फेमस लोटस टेम्पल जो है इसको बनाया है फरीबर्ज सोहबा ने। फरीबर्ज सोहबा इन्होंने बनवाया है आपका लोटस टेम्पल। चामुंडराय ने कौन सा टेम्पल बनवाया है? गोमतेश्वर टेम्पल। रामवीर सूतर आप तक याद हो गया होगा, वो स्टेचू ऑफ यूनिटी, एंड एडविन लुटियंस दिल्ली के डिजाइनर है। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से लुटियंस दिल्ली तो आप आराम से एलिमिनेट कर देंगे, आरवी सूतर स्टेचू ऑफ यूनिटी इसको भी आप आराम से एलिमिनेट कर देंगे, तो 50% तो आपका चांसेस हो गया कि सही हो जाएगा। अब या तो चामुंडराय होगा या तो फरीबर्ज होगा। तो चामुंडराय ने जो गोमतेश्वर टेम्पल को किया है, फरीबर्ज ने फेमस लोटस टेम्पल को आर्किटेक्ट किया, और लोटस टेम्पल में बहाई लोग जो हैं वो पूजा करते हैं, बहाई लोग वर्शिप करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, हु स्टार्टेड संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी? सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिचर्ड वेलेजली, तो इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज स्टार्ट किया था कोलकाता में। जो नाथन डंकन है इन्होंने संस्कृत कॉलेज स्टार्ट किया था वाराणसी में। विलियम जोन्स ने स्टार्ट किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एंड डेविड हेयर ने स्टार्ट किया था हिंदू कॉलेज एट कोलकाता। सो यहाँ पे पूछा गया संस्कृत कॉलेज वाराणसी के बारे में, तो आपका आंसर हो जाने वाला है जोनाथन डंकन। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। आप क्लासेस रेगुलर करें, बिल्कुल भी क्लास को स्किप ना करें। ओके, और अपने नोट्स बनाते जाएं। थैंक यू।